वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सूरज गुड़गांव ड्रीम ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज मैं प्रॉपर्टी शोकेस करने वाला हूँ। बेसिकली सेक्टर 23A में 197 स्क्वायर प्लॉट साइज है। वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है जो फ्लैट मेंट्री, ये प्लॉट फेसिंग वेस्ट है जो फ्लैट मेंट्री करते हुआ वो साउथ फेसिंग है, पीछे ईस्ट फेसिंग हो गया। 1150 स्क्वायर फिर कार्पेट एरिया, ये इसका रैम्प एरिया है जो कि आप देख सकते हो ये, और ये हो गया इसका फ्रंट एलिवेशन जो कि देखने में काफ़ी बेहतरीन से लग रहा है जो कि आप देख सकते हो ये। और जस्ट सामने यहाँ पे पार्क है, साइटली यहाँ से आपको 60-70 मीटर पे ही होगा। 30 फीट की रोड आ रही है ये जो कि आप देख सकते हो ये भी, और इस तरफ भी आपको स्पेस मिल जा रहा है। और सारे पिलर्स में काम किया गया है, ग्रेनाइट का मार्बल लगे हुई प्रॉपर। और ये इसका हो गया स्टिल्ट पार्किंग एरिया यहाँ से आप, और ये आप देख सकते हो प्रॉपर। इसमें फेस चेंजर भी दिया गया है, और ये हो गया इसका मेन गेट प्रॉपर। इसमें आपको जो है फ्रेंड्स स्टील की गेट दी गई है पार्किंग में, एक गाड़ी की पार्किंग रहेगी, आराम से दो गेट दिया हुआ, आराम से गाड़ी आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक छोटी गेट का प्रोविज़न यहाँ पे दिया गया है, और ये इसका हो गया पार्किंग एरिया प्रॉपर। इस तरफ जो है फ्रेंड्स यहाँ पे मोटर के लिए प्रोविज़न दिया गया है, मोटर आपकी यहाँ पे चार आ जाएगी। यहाँ पे इस तरफ जो है ये फेस चेंजर मैंने बताया था, फेस चेंजर दिया गया यहाँ पे। और ये स्टील पार्किंग हो गया फॉल सीलिंग के साथ जो कि आप देख सकते हो ये। और काफ़ी बेहतरीन से लेआउट के साथ ये निकल जाएगा आपको पार्किंग में। यहाँ पे कोई बीच में कोई पिलर्स नहीं है, तो आराम से आप जो है दो गाड़ी, मतलब इस लेन में भी आराम से आपकी चार गाड़ी आ जाएगी, इस लेन में भी आपकी चार गाड़ी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ मैं अगर बात करूँ फ्रेंड्स वाटर टैंक की, तो 2500 लीटर का वाटर टैंक मिलेगा आपको पर फ्लोर। 1, 2 और 3, 4 बना हुआ है, 1, 2 और 3 और 4 है। और पॉली कैब का आपका 1000 लीटर का सिंटेक्स आएगा टेरेस पे। जॉनसन की इसमें लिफ्ट आ रही है जो कि फोर्थ फ्लोर तक ही आएगी, टेरेस तक नहीं जाएगा वो। जॉनसन की लिफ्ट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जॉनसन की लिफ्ट आएगी। और ये इसमें प्रॉपर काम किया गया, ये लिफ्ट एंड स्टेयरकेस एरिया हो गया। स्टील की इसमें आपको गेट दी गई है जो कि आप देख सकते हो ये प्रॉपर। इसमें आपको स्टील का रेलिंग दिया गया है प्रॉपर, इसमें काम किया गया है मार्बल का। मूविंग ऑन टू दी फ्लोर एरिया, यहाँ पे लिफ्ट आएगी जॉनसन की, लिफ्ट आ चुका हुआ है, अभी दिखाऊंगा मैं, फ्लोर में दिख जाएगा, फ्लैट में रखा हुआ है वो रूम में। और यहाँ पे लिफ्ट आएगा जो कि फोर्थ तक आ जाएगा। मूविंग ऑन टू दी फ्लोर एरिया की लिफ्ट जो है फोर्थ तक ही आएगी, टॉप तक नहीं आएगी ये प्रॉपर। इसमें काम किया गया है मार्बल का, स्टील की रेलिंग दी गई है जो कि आप देख पा रहे होंगे। मूविंग ऑन टू दी टेरेस एरिया, यहाँ पे लिफ्ट का अपर हेड आ जाएगा, ऊपर का पोर्शन। ये इसमें टाइल लगी हुई प्रॉपर फ्लोरिंग में, आयरन का गेट दिया गया है इसमें, ये आप देख सकते हो। इसमें आपको स्टील का रेलिंग भी दिया गया है, 1000 लीटर का सिंटेक्स आ रहा है पॉली कैब का। और ये हो गया छत, काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है जो कि आप देख सकते हो। ये प्रॉपर टाइल लगी हुई है इसमें, ये छत है फ्रेंड्स। और ये वाला छोटा सा देखे हो गया, ये सॉफ्ट एरिया है, यहाँ से देख लो आप। और ये इसका गेट हो गया जो मैं अभी किया था एंटर। सारे में सेरेमिक बैटरीफाई टाइल्स लगी हुई है जो कि आप देख सकते हो, ये काम भी काफ़ी प्यारा किया गया है इसमें। आप देख सकते हो वहाँ सनसेट, ये आपको सनसेट हो रही है, तो वेस्ट फेसिंग हो गया ये, पीछे ईस्ट हो गया, जो फ्लैट मेंट्री जो आप करोगे वो साउथ फेसिंग है। मूविंग ऑन टू दी फ्लोर एरिया, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सूरज गुड़गांव ड्रीम ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रॉपर्टी शोकेस करने वाला हूँ। ये बेसिकली सेक्टर 23A में वेस्ट फेसिंग ये आपको प्रॉपर्टी है, और ये 197 स्क्वायर यार प्लॉट साइज है, और 1150 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया है। और यहाँ पे लिफ्ट के लिए यहाँ पे जगह दिया हुआ है, यहाँ पे जॉनसन ब्रांड की लिफ्ट आएगी, मैं दिखाऊंगा आपको। और इसमें आप देख सकते हो, अगर मैं बात करूँ तो ये 3 BHK बना हुआ है, अच्छी लोकेशन पे है। और मैं आपको लेआउट समझाना चाह रहा हूँ कि ये इसका किचन हो गया, फर्स्ट बेडरूम है, अटैच वाशरूम है, और दो कमरे पीछे की तरफ हैं,
जो आप फ्लैट में एंट्री करते हो आपकी साउथ फेसिंग है, प्रॉपर्टी जो आपकी वेस्ट फेसिंग हो गया, पीछे आपका जो ईस्ट फेसिंग हो गया 197, मैं फिर से रिपीट करता हूँ 197 स्क्वायर प्लॉट साइज है, 1150 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया है, आपको इसमें चिमनी मिल रहा है, देख सकते हो आप चिमनी दिया हुआ है, ये ओपन किचन है प्रॉपर, ये आपका जैगवार के साथ टैप्स के फिटिंग है, एक बेडरूम ये हो गया, टीवी पैनल यहाँ आपको मिल रहा है, एक उस रूम में मिल रहा है वहाँ दिख रहा होगा आपको, और ये इसका सेकंड बेडरूम है, ये थर्ड बेडरूम हो गया। अगर मैं बात करूँ इसकी, फ्लोर जॉनसन की लिफ्ट आएगी इसमें आपको जो कि टॉप तक जाएगा, और एवॉन के लॉक सारे आए हुए हैं इसमें, वो बंद करता हूँ और स्टार्ट करता हूँ वीडियो। और इसमें जितने भी आप देख सकते हो, ये इसका स्विच यहाँ पे दिया गया है, इसमें पॉली कैप के सारे काम किए गए हैं, कॉब लाइटिंग भी। बात करूँ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम द किचन। अगर मैं किचन की बात करूँ फ्रेंड्स, इसमें प्रॉपर काम किया गया टाइल्स का, और इसमें आपको हल्का सा देख सकते हो नीचे सारे बॉक्सेस बने हुए हैं स्टोरेज के लिए, प्लेटफॉर्म में प्रॉपर काम किया गया है मार्बल का, इसमें आपको सनफ्लेम की चिमनी आ रही है, ऊपर में भी सारे बॉक्सेस बने हुए हैं, फॉल सीलिंग का भी काम हुआ है, सारे में टाइल्स प्रॉपर लगी हुई है, सारे सेरेमिक वेट्रीफाइड टाइल्स, वॉल में भी इन्होंने प्रॉपर काम किया हुआ टाइल्स का, जो कि आप देख सकते हो ये काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है किचन। ये वेस्ट फेसिंग है, विंडो का प्रोविजन भी दिया हुआ है, यहाँ पे आपके गीजर के लिए पॉइंट दिया गया है, गीजर लगा लो या आरो लगा लो आप, और ऊपर यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है प्रॉपर सनफ्लेम की इसमें आपको चिमनी आ रही है, और ये आपको सारे मतलब क्रॉकरी के लिए बनी हुई है, सारे सॉफ्ट क्लोज है ये, जो कि आप देख सकते हो ऊपर में भी स्टोरेज के लिए दिया हुआ है, यहाँ भी आप देख सकते हो कुछ, यहाँ भी आप रख सकते हो, सारे सॉफ्ट क्लोज हैं सारे ये, यहाँ पे जो है अच्छा, यहाँ पे आपकी जो है जैगवार के साथ यहाँ पे गीजर आएगी, यहाँ पे आरओ के लिए पॉइंट दिया हुआ है जो कि देख सकते हो, यहाँ से आरओ का आएगा, और यहाँ पे स्टील की सिंक आ रही है जैगवार के टैप के फिटिंग से सारे। वॉल में बात करूँ फ्रेंड्स, इसमें भी प्रॉपर काम किया गया है टाइल्स का, जो कि आप देख सकते हो काफ़ी बेहतरीन से उन्होंने काम करा हुआ है, देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है, और यहाँ भी स्टोरेज के लिए दी हुई है, एक बड़ी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये कॉर्नर का भी इन्होंने काम करा है, कॉर्नर का भी स्पेस प्रॉपर से यूटिलाइज हो जाएगा, और यहाँ पे भी इन्होंने हाइड्रोलिक दी हुई है, स्टोरेज की लैम्पल स्पेस दिया गया है इसमें, और प्लेटफॉर्म में प्रॉपर काम किया गया है मार्बल का। तो ये किचन हो गया इसका, और ये फर्स्ट बेडरूम है। अगर मैं साइज की बात करूँ फ्रेंड्स, तो ये एग्जैक्टली आपको 12 फिट इसकी जो है ये चौड़ाई हो गई, 12x13 साइज हो गया रूम का, और ये इसका फर्स्ट बेडरूम है, वेस्ट फेसिंग हो गया, ये कॉब लाइटिंग की गई है, एसी के लिए यहाँ प्रोविजन दिया गया है, विंडो कम डोर सारे वुडन वर्क हुआ है, यहाँ पे अपना वार्डरोब लगा लो, वार्डरोब के लिए प्रोविजन यहाँ छोड़ा हुआ है, इसे अटैच से वॉशरूम है जो कि आप देख सकते हो, ये फिटिंग्स एंड ऑल सारे जैगवार के हैं, वेट्रीफाइड टाइल का काम किया गया है, वॉल में अगर मैं बात करूँ तो सारे में ही ब्लैक कलर की टाइल लगी हुई जो कि आप देख सकते हो ये, और काफ़ी बेहतरीन सा लग रहा है देखने में। यहाँ पे गीजर के लिए भी पॉइंट दिया गया है, फिटिंग्स एंड ऑल सारे इसमें आपको जैगवार के हैं, ये हो गया वॉशरूम इसे अटैच्ड, और ये फ्रंट बालकनी होगी प्रॉपर इसमें काम किया गया है मार्बल का जो कि आप देख सकते हो ये भी, और इस तरफ बात करूँ तो यहाँ भी वॉल में प्रॉपर इन्होंने काम करा हुआ टाइल्स का, वुडन वर्क हुआ है प्रॉपर जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है ये। इस तरफ मैं बात करूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टील की रेलिंग आ रही जो कि आप ये देख सकते हो, सामने पार्क है, जस्ट यहाँ से 40 मीटर आगे जाओगे तो पार्क दिख जाएगा आगे आपको, ये इसका रैम्प एरिया आ गया प्रॉपर, लोकेशन भी काफ़ी बेहतरीन सा है जो कि आप देख सकते हो ये, और ये हो गया इसका फर्स्ट बेडरूम, और ये इसका हो गया लॉबी एरिया, ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया। अगर बात करूँ इसकी फ्लोरिंग की फ्रेंड्स, इसमें प्रॉपर काम किया गया है टाइल्स का जो कि आप देख सकते हो, हल्का सा ग्रेइश कलर की टाइल दिख रही होगी आपको, फॉल सीलिंग का भी काम हुआ है, काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है देखने में ये, और यहाँ पे आपको टीवी पैनल के लिए प्रोविजन, टीवी पैनल ही मिल रही है इसमें आपको एक, और यहाँ पे वॉलपेपर लगी हुई है जो कि इसकी लुक्स को काफ़ी इन्हांस कर रहा है फ्रेंड्स, एसी के लिए एक प्रोविज़न यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ भी इन्होंने वॉलपेपर लगाया हुआ है जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है ये भी, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये भी। और मूविंग ऑन टू द सेकेंड बेडरूम, अगर मैं बात करूँ इसकी फ्लोरिंग की फ्रेंड्स, तो ये बड़ा साइज़ है, 15 फुट का लेंथ है, 15x13 है साइज़ ये रूम का, और ये देख सकते हो क्रीम कलर की वेट्रीफाइड टाइल्स का काम किया गया है इसमें, फॉल सीलिंग का भी काम हुआ जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत सा है, वुडन डोर मिल रहा है इसमें आपको विंडो के साथ, और इससे अटैच वार्डरोब मिल रही है, यहाँ पे आपको
दो वार्डरोब है, ड्रेसिंग भी इसमें अटैच्ड है, शायद ये लॉक ना हो, वैसे ओपन होगा, हाँ खुला ही हुआ, लॉक नहीं है ये। आपको मैं दिखा देता हूँ दोनों साइड क्या क्या साइजेज हैं, क्या जस्ट आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ देख सकते हो आप, चार ड्रॉअर मिल रहे हैं आपको, और स्टोरेज के लिए एम्पल स्पेस दिया गया है, सारे सॉफ्ट फ्लोर ये, सारे सॉफ्ट फ्लोर ये, और नीचे में भी आपको यहाँ पे ड्रेसिंग है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग अच्छा लगता है वीडियो, प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब भी किया करो। आप लोग वीडियोस को देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ किया करो। तो ये इसे अटैच ये ड्रेसिंग भी हो गया, मिरर इसमें लगी हुई है प्रॉपर, इसे अटैच ये वॉशरूम हो गया, इसमें भी प्रॉपर काम किया गया है टाइल्स का, जो कि आप देख सकते हो। और ये इसका वॉल टाइल्स का डिज़ाइन हो गया। फिटिंग्स ना सारे जगवार के हैं, गीजर के लिए वहाँ पॉइंट दिया गया है, शावर के लिए यहाँ पॉइंट दिया गया है, फिटिंग सारे जगवार के हैं, जो कि टैप सारे जगवार के लगे, जो कि देख सकते हैं अभी। और यह विंडो का प्रोविजन दिया गया है, ये वॉशरूम हो गया, इससे ये इससे अटैच ये बैक साइड की बालकनी होगी। इसमें अगर बात करूँ फ्लोरिंग की, तो इसमें भी प्रॉपर काम किया गया है मार्बल का प्रॉपर। और ये सेकेंड और थर्ड बेडरूम से कनेक्ट कर रहा है ये, और यहाँ पे इन्होंने मार्बल लगाया हुआ है पूरा। और ये देख सकते हो यहाँ स्पेस हो गया, यहाँ पे आपको जो है वाटर टैंक के लिए दिया हुआ है, 2.5 लीटर का मिलेगा वाटर टैंक आपको, 4, 1, 2, 3, 4। और ये हो गया सेकेंड बेडरूम, मूविंग ऑन टू दी थर्ड बेडरूम। और इसका थर्ड बेडरूम है, आप देख सकते हैं इसमें लिफ्ट का सामान रखा हुआ है, जॉनसन की इसमें लिफ्ट आ रही है, यहाँ से आपको दिख जाएगा, ये देख सकते हैं जॉनसन की लिफ्ट आ रही है इसमें। और सेम साइज़ है, सेम साइज़ की मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो इसमें आपको जो है ये लंबाई इसकी आप रख लो कि ये 14.5 फिट लेंथ है, 14.5 ये आपको 14x14 का रूम है ये। और ये फॉल सीलिंग का भी काम हुआ हुआ है। इस तरफ आपको टीवी पैनल भी मिल रहा है, जो कि आप देख सकते हो, ये एक बार भी दिखा देता हूँ आपको। टीवी पैनल आपको दो में मिल रहा है, एक तो रूम में मिल रहा है, एक आपको ड्राइंग रूम डाइनिंग एरिया यहाँ मिल रहा है आपको। और ये हो गया वार्डरोब, वार्डरोब आप देख सकते हो, वार्डरोब भी मिल रहा है इसमें आपको, दो बेडरूम में वार्डरोब दे रहे हैं, सेम साइज में दिखाया था अभी आपको, और विद ड्रेसिंग ग्लास के साथ मिल रही है। और अटैच ये वॉशरूम हो गया फ्रेंड्स, इसमें भी प्रॉपर काम किया गया है टाइल्स का, जो कि आप देख सकते हैं फिटिंग्स और सारे इसमें जगवार के दिए गए हैं, और गीजर के लिए भी पॉइंट छोड़ा गया है इसमें, वॉल टाइल प्रॉपर लगी हुई, फॉल सीलिंग का भी काम हुआ हुआ है, और ये डिज़ाइन हो गया इसका प्रॉपर। यहाँ पे जगवार की आपकी वो आ जाएगी टैप का वो, और ये कमोड, ये वॉश मशीन हो गया, और ये शावर एरिया हो गया। एक बड़ी यहाँ से मैं दिखा देता हूँ आपको, और ये आप देख सकते हो ये वार्डरोब हो गया, जो बताया था मैंने आपको, थर्ड बेडरूम में ये रखा हुआ है लिफ्ट का स्पेयर्स, तो ये हो गया इसका, इसमें लिफ्ट वार्डरोब दी गई है, ये इसमें टी पैनल हो गया आपका, और सेम साइज जो मैंने दिखाया था, एसी के लिए यहाँ प्रोविजन दिया गया है प्रॉपर। तो ये इसका थर्ड बेडरूम हो गया, ड्राॅइंग कम डाइनिंग एरिया, काफ़ी बड़े साइज का ड्राॅइंग कम डाइनिंग एरिया, जो कि आप देख सकते हो, फॉल सीलिंग का भी काम हुआ हुआ है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। इस तरफ आपको वॉलपेपर भी मिल रहा है इसमें, और यहाँ भी इन्होंने वॉलपेपर दिया हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट क्लास ऑफ जो है, यहाँ पे आराम से 8 सीटर सोफ़ा आ जाएगा यहाँ पे, वहाँ पे आपकी 6 सीटर डाइनिंग टेबल आ जाएगी, फर्स्ट क्लास रहेगा आराम से। लेआउट हॉल का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, जो कि आप देख सकते हो, ये भी अच्छा लेआउट के साथ ये निकल जाएगा। तो इसमें अभी फ्रेंड्स 4 फ्लोर है, जिसमें सेकेंड फ्लोर सोल्ड आउट है, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ विथ रूफ राइट मिल जाएगा आपको। प्लीज़ चेकआउट दी डिस्क्रिप्शन फॉर प्राइस एंड ऑल, वहाँ मैं डाल दूंगा क्या नहीं प्राइस का, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। अगर अच्छा लगा वीडियो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए डेली कंटेंट लाऊँ अच्छा अच्छा ओके गाइज, बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ चेकआउट दी डिस्क्रिप्शन फॉर प्राइस एंड ऑल। थैंक यू सो मच गाइज, बाय।